तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही सैड और इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे काकाशी हाटाके की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम फेमसली काकाशी द कॉपी निंजा या फिर काकाशी ऑफ द शारिंगन के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड की कैसे उसकी लाइफ पूरी ट्रेजेडी से भरी हुई थी, और इन सारी ट्रेजेडीज के बाद भी कैसे काकाशी कभी भी डार्क साइड पे नहीं गया और लास्ट में सिक्स होकागे बना। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन अर्ली एज। तो दोस्तों काकाशी के बचपन में उसकी माँ मर गई थी और इसके वजह से उसके बाप साकुमो हाटाके ने उसको पाला था और बड़ा किया था। साकुमो की बात करें तो वो कोनोहा का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और पावरफुल शिनोबी था, जिसे फेमसली व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ भी बुलाते थे। काकाशी अपने फादर साकुमो को बहुत ही मानता था और प्यार भी करता था, और दोनों फादर और सन में एक अच्छा बॉन्ड था। पर कुछ सालों बाद जब काकाशी ने कोनोहा के निंजा एकेडमी में एडमिशन लिया था, तब साकुमो को एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के दौरान साकुमो ने अपने शिनोबी फ्रेंड्स की जान बचाई थी इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द मिशन। इस मिशन के फेलियर के वजह से कोनोहा को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ही ज्यादा डेंजर कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे, जिसके कारण पूरा कोनोहा विलेज साकुमो के खिलाफ गया था और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, इंक्लूडिंग उसके खुद के फ्रेंड जिनको साकुमो ने बचाया था। और इन्हीं सारे इल्जाम और कंटिन्यूस हेट के कारण साकुमो ने एक दिन सुसाइड कर लिया था। देखो दोस्तों, ये मोमेंट ने काकाशी के लाइफ को बहुत ही चेंज किया था। काकाशी उसके बाप के सुसाइड को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी तो हो ही गया था, पर उसके साथ साथ उसने ये भी अपने माइंड में फिक्स कर लिया था कि इस निंजा वर्ल्ड में अगर जीना है तो रूल्स ही सब कुछ है, और उसे कुछ भी करके इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वेल आगे जाके फिर काकाशी अपने अकेडमी में टॉप मारता है, जिसके कारण उसे सब फिर प्रोडजी बोलने लगते है और बोलते है कि काकाशी अपने बाकी सारे पियर्स से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इसी रिकॉग्निशन की वजह से फिर काकाशी सिर्फ 5 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट होता है और अपने टाइम का सबसे यंगेस्ट गेनिन बनता है, जबकि बाकी सारे लोग 12-13 साल की उम्र में गेनिन बनते हैं। वेल इसके बाद फिर काकाशी को रिन और ओबिटो के साथ एक टीम में डालते हैं अंडर मिनाटो सुपरविजन, और फिर एट द एज ऑफ 6 काकाशी चुनिन एग्जाम भी लड़ता है और उस एग्जाम में माइट गाय को हरा के कोनोहा की हिस्ट्री में सबसे पहला यंगेस्ट चुनिन बनता है। इसके बाद आगे जाके काकाशी जोनिन भी बनता है, और इसी खुशी में मिनाटो और रिन काकाशी को गिफ्ट भी देते हैं फॉर बिकमिंग जोनिन, पर ओबिटो काकाशी के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता है। सो ये सब होने के बाद थोड़े सालों में कोनोहा थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में टैंगल हो जाते हैं, और इसी वॉर के दौरान टीम मिनाटो को मिशन दिया जाता है कि उन्हें कुसाकाकुरे के कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो इवाकाकुरे के सप्लाई चेन को रोक दे। वेल इसके बाद टीम 7 मिशन पे जाती है, और इस मिशन के दौरान इवाकाकुरे के कुछ शिनोबीज रिन को किडनैप कर लेते हैं, और तभी काकाशी बोलता है कि उन्हें रिन को छोड़कर मिशन कंप्लीट करना चाहिए, जबकि ओबिटो यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर काकाशी को एक पंच मारता है और बोलता है कि उन्हें रिन को बचाना चाहिए। ओबिटो और काकाशी में थोड़ी बहस होती है, पर फिर दोनों सेपरेट वेज चले जाते हैं। पर जाने के पहले ओबिटो काकाशी को बोलता है कि जो अपने मिशन को छोड़ता है वो तो गलत होता ही है, पर जो अपने फ्रेंड्स को अबैंडन करता है वो मिशन कंप्लीट करने से ज्यादा वर्स है। और वो ये भी बोलता है कि कैसे साकुमो ने जो किया था वो ठीक किया था और वो उसके लिए एक हीरो था, जिससे सुनकर काकाशी हैरान हो जाता है, पर फिर दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। वेल आगे जाके टाइसेकी, जो कि इवाकाकुरा का एक शिनोबी है, वो ओबिटो के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों में फिर फाइट होती है, और तभी टाइसेकी ओबिटो को मारने ही वाला होता है, और तभी अपना काकाशी भाई आ जाता है ओबिटो को बचाने के लिए, जब उसे पता चल जाता है कि ओबिटो सही कह रहा था। और तभी काकाशी टाइसेकी को अपने व्हाइट लाइट चक्र सेबर से स्ट्राइक करता है, जो काकाशी को अपने फादर से मिली थी। इस फाइट के दौरान फिर टाइसेकी इनविजिबल बनके ओबिटो के ऊपर चुपके से अटैक करने का ट्राई करता है, और इस प्रोसेस में काकाशी की लेफ्ट आई बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसी एग्जैक्ट मोमेंट में फिर ओबिटो अपना शारिंगन भी अवेकन कर लेता है और उससे टाइसेकी को मार देता है। इसके बाद दोनों एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ रिन को बंदी बनाकर रखा था, और उसे गेंजुत्सु से रिलीज करके वहां से भागने लगते हैं। पर तभी काको, जो कि इवाकाकुरी की एक और शिनोबी है, वो केव को सील करने का ट्राई करती है बाय डिस्ट्रॉइंग द केव, और उस मोमेंट में तीनों भागने लगते है। पर तभी फॉलिंग रॉक्स की वजह से काकाशी के ऊपर एक पत्थर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। इस बेहोशी के दौरान एक बहुत ही बड़ा बोल्डर काकाशी के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी ओबिटो काकाशी को बचाने का ट्राई करता है, और उस प्रोसेस में ओबिटो खुद बोल्डर के नीचे आ जाता है और उसकी आधी बॉडी पत्थर से क्रश हो जाती है। काकाशी और रिन फिर दोनों ट्राई करते हैं ओबिटो को उस पत्थर से बाहर निकालने का, बट फेल हो जाते हैं। और तभी ओबिटो डिसाइड करता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल है और उसकी इंजुरीज बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी है, तो इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर चले जाए इसके पहले कि पूरा केव नीचे गिर जाए,
और इसके बाद ओबिटो एज इज डाइंग विश ककाशी को अपना शारिंगन एज ए गिफ्ट देता है, क्योंकि वो उसे पहले गिफ्ट नहीं दे पाया था टू रिप्लेस ककाशीज लेफ्ट आई। फिर ओबिटो से शारिंगन मिलने के बाद ककाशी काको को कन्फ्रंट करता है और उसको अपने लाइट सेबर से अटैक करता है। उस फाइट के दौरान ककाशी का लाइट सेबर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर वो काको को हरा देता है अपने लाइटनिंग कटर के मदद से। वेल इसके बाद वो रेन और ओबिटो के पास जाता है उस केव के तरह उन्हें बचाने के लिए, पर तभी इवागाकुरे के और शिनोबीज आ जाते हैं और उनपे अटैक करते हैं। तभी ओबिटो बोलता है ककाशी को कि मुझे छोड़कर जाओ और रिन को बचा लो, जो कि वो करता भी है और ओबिटो को पीछे छोड़कर चला जाता है। वेल रिन को केव से बाहर निकालने के बाद इवागाकुरे के शिनोबीज ककाशी और रिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ककाशी सारे लोगों से फाइट करता है और जितना हो सके उतना देर तक उनसे फाइट करता है जब तक मिनाटो आ जाए। और फिर फाइनली मिनाटो ककाशी और रिन को ट्रैक डाउन करके उनके पास आ जाता है और दोनों को बचा लेता है बाय किलिंग ऑल द इवागाकुरे शिनोबीज। इसके बाद वो तीनों मिलकर कानाबी ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर देते और फाइनली कोनोहा रिटर्न करते टू मॉन ओबिटोज डेथ। कोनोवा में पहुंचने के बाद सभी उचिया क्लैन के लोग अपोज करते हैं कि ककाशी के पास शारिंगन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक उचिया नहीं है, पर फुगाकू उचिया जो कि लीडर था उचिया क्लैन का, वो ओबिटो के विश को ऑनर करने के लिए ककाशी को शारिंगन रखने के लिए अलाव करता है। थोड़े ही महीनों बाद टीम मिनाटो को फिर से एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन के दौरान फिर से ये रिन किडनैप हो जाती है। भाई ये कितने बार किडनैप होगी, पर देखो इस बार ककाशी रिन को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता है। वो उसे लेकर कोनोहा जाने लगते हैं। वेल कोनोहा के तरफ जाते वक्त रिन ककाशी को रिवील करती है कि किरागाकुरे के शिनोबीज ने उसके अंदर तीन टेल बीज को सील किया है ताकि जब वो कोनोहा पहुंचे तो तीन टेल बीज उसके अंदर से बाहर निकल जाए और कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर कोनोहा के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए रिन ककाशी को बोलती है कि वो उसे मार दे, पर ऑफकोर्स ककाशी मना कर देता है। और ऊपर से उसने ओबिटो को भी प्रॉमिस किया था कि वो रिन को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वेल इसी दौरान किरागाकुरे के शिनोबीज रिन और ककाशी के साथ कॉट अप हो जाते हैं और रिन को फिर से किडनैप करने का ट्राई करते हैं, पर ककाशी तब उन सब से लड़ता है और अपना चिदोरी यूज करता है उनपे अटैक करने के लिए। पर तभी उस अटैक के वक्त रिन उसके चिदोरी के सामने आ जाती है और ककाशी के हाथों मर जाती है टू प्रोटेक्ट कोनोहा विलेज। रिन के डेथ को देखकर ककाशी का शारिंगन एक मांगे के शारिंगन में बदल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़े टाइम बाद कोनोहा के शिनोबीज ककाशी को ट्रैक डाउन कर लेते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सारे किरागाकुरे के शिनोबीज मर चुके हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर किरागाकुरे के शिनोबीज को कौन मारे है। वेल इसके बाद ककाशी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसने स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में उसके दोनों दोस्त खो दिए। रिन के डेथ के कारण ककाशी के ऊपर इतना ज्यादा मेंटली असर होता है कि उसे हर रात नाइटमेयर आने लगते हैं और वो कई दिनों तक बस अपना हाथ वॉश करते रहता है ताकि वो रिन के ब्लड को अपने हाथों से हटा सके। इस ट्रॉमा से फिर ककाशी बहुत ही ज्यादा सैड और लोनली हो जाता है और फिर इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए वो आनबू टीम को ज्वाइन कर लेता है। ककाशी आनबू में फ्रेंडली किलर के नाम से भी फेमस हो जाता है क्योंकि सारे कोनोहा के लोग ये बिलीव करते थे कि ककाशी मिशन के लिए अपने टीममेट्स को भी मार सकता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ककाशी ने रिन को जानबूझकर मारा था टू प्रोटेक्ट कोनोहा, पर एक्चुअली में हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ककाशी आनबू ज्वाइन करने के बाद बहुत ही कोल्ड हार्टेड बन जाता है और हर एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, जिसके कारण वो एक साल के अंदर ही आनबू का कैप्टन भी बन जाता है। वेल मिनाटो ककाशी का ये कोल्ड हार्टेड रूप को देखकर थोड़ा चिंता में आ जाता है और उसे अपनी वाइफ कुशीना को प्रोटेक्ट करने के ड्यूटी में लगा देता है जब तक वो प्रेग्नेंट है। वेल इसके बाद ककाशी हमेशा शैडो से कुशीना के ऊपर नजर रखता है टू प्रोटेक्ट हर। इसके बाद कुछ सालों बाद कोनोहा पे नाइन टेल बीस्ट का अटैक होता है, जिस अटैक के दौरान सभी शिनोबीज को बोला गया था इंक्लूडिंग ककाशी कि उन्हें नाइन टेल अटैक में मदद नहीं करना है, इंस्टेड उन्हें बस विलेज के लोगों को बचाना है। वेल इस अटैक के दौरान मिनाटो कोनोहा को तो डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है, पर इस प्रोसेस में वो और उसकी वाइफ कुशीना दोनों मारे जाते हैं, जिसके कारण ककाशी को फिर से लगता है कि वो फेल हो गया उसकी ड्यूटी कैरी आउट करने में और वो उसके सेंस से मिनाटो और कुशीना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद फिर कुछ सालों में इताची भी आनबू ज्वाइन कर लेता है अंडर ककाशी लीडरशिप। इताची भी ककाशी के तरह ही एक जीनियस होता है जो कि एक साल के अंदर ही कैप्टन भी बन जाता है। वेल अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो देखो सबको पता है कि इस टाइम उचिया मैसेकर होता है और इस उचिया मैसेकर के लिए ककाशी खुद को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि एक दिन आनबू के मिशन के वक्त इताची इनडायरेक्टली ककाशी को पूछता है कि क्या तुम्हें अपने डेड फ्रेंड्स की विश को पूरा करना चाहिए, इंडिकेटिंग शिशुई की डेथ, जिस पे ककाशी बोलता है कि हाँ। इस चीज को देखते फिर आगे जाके इताची उचिया मैसेकर करता है टू ऑनर शिशुई विश। वेल हम सबको पता है कि शिशुई ने ये कभी भी नहीं कहा था कि विलेज को बचाने के लिए उचिया क्लैन को मार दो, पर स्टिल इताची ने ये चूज किया, जिसके कारण ककाशी थोड़ा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है
कि वो अपने जूनियर इताची को नहीं समझ पाया और उसे सही मेंटरशिप नहीं दे पाया, जिसके कारण इताची एक रोग निंजा बन गया आगे जाके। ये सब होने के बाद थोड़े सालों बाद हिरोजिन काकाशी को आनबू के ड्यूटी से रिलीज कर देता है और उसे कहता है कि तुम अब एक टीचर बन जाओ निंजा एकेडमी में, स्पेशली नारुतो और सास्के के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटर देम। और यही से फॉर्म होता है न्यू टीम 7, जिसमें होते हैं नारुतो, सास्के, साकुरा और उनका सेंसेई काकाशी। काकाशी फिर तीनों स्टूडेंट्स की बेल्ट टेस्ट लेता है, जैसे मिनाटो ने उनकी ली थी, टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। जिस बेल्ट टेस्ट को नारुतो, सास्के और साकुरा फाइनली पास करते हैं और फिर अपने फर्स्ट मिशन पे चले जाते हैं, जिसके बाद हम नारुतो को वन ऑफ द बेस्ट आर्क देखते हैं, जो कि है जाबुजा वाला आर्क। वेल, एनिमे में फिर कई सालों तक काकाशी तीनों स्टूडेंट्स को मेंटोर करता है और वो तीनों कई मिशंस पे भी जाते हैं। और फिर एक दिन ओरोचिमारु कोनोहा पे अटैक करता है चुपके से और फोर्थ होकागे को मार देता है। इस दौरान ओरोचिमारु सास्के को भी मैनिपुलेट करता है, जिसके कारण सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारु के पास जाने का ट्राई करता है टू बिकम मोर पावरफुल, जिस वक्त काकाशी और बाकी सब उसे रोकने का फुल ट्राई करते हैं। काकाशी उसे पूछता है कि तुम क्यों जा रहे हो विलेज छोड़कर, क्या तुम्हें भी अपने भाई इताची की तरह एक रोग निंजा बनना है? और इस रिवेंज के पाथ पे जो तुम जा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला अपार्ट फ्रॉम योर ओन डिस्ट्रक्शन। जिसपे सास्के गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें पता है किसी को खोना क्या होता है, और अगर मैं तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को मार दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिसपे काकाशी स्माइल करते हुए बोलता है, ये चीज करने के लिए तुम थोड़ा लेट हो, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुनकर सास्के शांत हो जाता है और तभी के लिए प्लान ड्रॉप कर देता है विलेज छोड़कर जाने का, पर फिर आगे जाके सास्के अल्टीमेटली विलेज छोड़ ही देता है। ये देखकर काकाशी फिर से थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से एक अच्छा सेंसे होने में फेल हो गया। वेल, इसके बाद फिर आगे जाके पेन आर्क के दौरान काकाशी पेन के पिल्ले के साथ भी फाइट करता है, पर इवेंचुअली वो चोजी को बचाने के वक्त अपना मांगे के शारिंगन की एबिलिटी कामू यूज करता है, जिसके कारण उसका चक्र डिप्लीट हो जाता है और चक्र डिप्लीशन के कारण वो मर जाता है और अपने फादर साकुमो हटाके से मिलता है इन आफ्टर लाइफ, जहाँ साकुमो काकाशी से माफी मांगता है और बोलता है कि जो मैंने किया था वो गलत है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसपे काकाशी बोलता है कि मैं समझता हूँ जो आपने किया था वो आपकी गलती नहीं है और मैं आपको माफ करता हूँ। और ये बात चली रही होती है कि तभी काकाशी रिने रिबत के मदद से फिर से रिवाइव हो जाता है, और रिवाइव होते ही काकाशी को पता चल जाता है कि नारुतो ने पेन को हरा दिया है, और फिर जल्दी से थके हुए नारुतो के पास जाता है उसे सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद जब फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर शुरू होता है, तब काकाशी को पता चलता है कि टोबी असलियत में ओबिटो है, और फिर ये जानने के बाद काकाशी ओबिटो को बोलता है कि रिन को मैंने नहीं मारा, जिसपे ओबिटो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुमने रिन को नहीं मारा, और मुझे ये भी पता है कि रिन खुद तुम्हारी चिदोरे की सामने आ गई थी। जिसपे काकाशी पूछता है कि फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जिसपे ओबिटो बोलता है कि बट यू स्टिल फेल टू कीप योर प्रॉमिस। और फिर काकाशी और ओबिटो में मस्त खतरनाक वाला फाइट होता है। वेल, ये फाइट होने के बाद फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के आखिर में काकाशी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जब जेट्सु अपनी औकात दिखा के मादरा को धोखा देता है और कागुया उचुत्सुके को रिवाइव कर देता है। तब कागुया को हराने के लिए काकाशी, ओबिटो और टीम 7 उस पर अटैक करती है, पर कागुया उन्हें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में लेके जाती है। एक डायमेंशन में कागुया अपना एजमोन टेक्निक का यूज करके नारुतो और सास्के के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी ओबिटो और काकाशी सास्के और नारुतो के सामने आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। इस वक्त ओबिटो अपना काम वही यूज करके काकाशी को बचा लेता है, पर खुद मारा जाता है, जिससे ओबिटो की स्पिरिट काकाशी के अंदर आ जाती है, जिससे काकाशी अपना डुअल मांगे को शारिगन अनलॉक कर लेता है और फिर फर्स्ट ट्राई में फ्लाइंग सुसानो बना लेता है और नारुतो यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शारिगन यूजर बन जाता है। और फिर इसके बाद वो सबसे पहले साकुरा को बचाता है और उसके बाद अपने राइकिरी का यूज करके कागुया को खतरनाक वाला डैमेज करता है। इस मोमेंट का फायदा उठाकर सास्के, नारुतो और साकुरा कागुया को सील कर देते हैं और फाइनली कागुया और जेट्सु को हरा देते हैं और पूरे निंजा वर्ल्ड को बचा लेते हैं। वेल, इसके बाद फिर से सास्के और नारुतो में फाइनल बैटल होता है इन द वैली ऑफ एंड, जिसमें सास्के फाइनली नारुतो को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है और काकाशी ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। सो फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर खत्म होने के बाद काकाशी को सिक्स्थ होकागे बना देते हैं, जो कि उसको बनने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि काकाशी को ये होकागे वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर स्टिल होकागे बनने के बाद काकाशी उसकी ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरह से निभाता है। वो कोनोहा को पूरी तरह से डेवलप करता है और एक मॉडर्न नेशन में बदल देता है, जो कि हमने बोरुतो में देखा ही है। उसके साथ साथ वो मादारा के सपोर्टर वाले ग्रुप को भी ट्रैक डाउन करके उन रोकता है और एक इंटरनेशनल पीस कम्युनिटी बनाता है सारे नेशंस के साथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। और ये सब डेवलपमेंट करने के बाद काकाशी फाइनली नारुतो को नेक्स्ट होकागे बना देता है और फाइनली रिटायर हो जाता है। सो भाई, यही थी काकाशी की पूरी लाइफ हिस्ट्री। इतने सारे ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी काकाशी कभी भी डार्क पाथ पे नहीं गया। इससे हमें खुद के लाइफ में भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है कि कैसे लाइफ में चाहे कितने भी डिफिकल्टी आए, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद अ स्माइल।
तो अगर तुम्हें ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।